वज़ीर-ए-आज़म ने 9 अगस्त को कौमी असेंबली तहलील करने की तारीख दे दी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादियों के एजाज में अशाइया दिया गया, जिसमें मुल्की सियासी सूरतेहाल और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कौमी असेंबली तोड़ने की समरी 9 अगस्त को सदर को भेज देंगे। सराय का ये भी बताना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम के लिए आइंदा 2 से 3 रोज में मुशावरत मुकम्मल कर लेंगे। वाज रहे कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर 12 अगस्त तक असेंबली तहरील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करवा देंगे, क्योंकि मौजूदा कौमी असेंबली की मुद्दत 12 अगस्त की रात 12 बजे खत्म हो रही है। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िये बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।